सर लेट्स हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर जबलपुर से बोल रहा हूँ, संजीव कुमार रेड्डी। सर संजीव बताइए। सर सरफेस में कई बार जो स्मॉल स्मॉल मोटा भी क्रैक जो होते हैं, छोटे छोटे क्रैक होते हैं सर क्रैक में, उसके कारण कई बार जो है सर डिफेक्ट नहीं डिटेक्ट हो पाती है, तो उसका सर कोई सोल्यूशन अभी आया कि नहीं सर? किस टाइप के जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं? सर सरफेस क्रैक जो होते हैं, जिससे छोटे छोटे सरफेस क्रैक रहते हैं रेल के टॉप रीजन में। तो ये जो मैंने अभी स्क्रीन दिखाया इसी तरह के दिख रहे हैं जो आपको? नहीं सर, ये तो स्कैबिंग है, उसमें जो क्रैक होते हैं गेज कॉर्नर में क्रैक तरह क्रैक होते हैं छोटे छोटे। हेयर क्रैक, हेयर क्रैक होते हैं कई बार सर, वो जो कई बार जो क्रैक एक वेबिनार चल रहा है थोड़ी देर में। जी सर, ये रेड्डी जी जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको तीन चित्र दिखाए गए हैं रेल के। इसमें जो ये फर्स्ट वाला चित्र है, ओके, ये फर्स्ट वाला चित्र आप देख रहे हैं, ये वाला, ओके, ये इनिशियल स्टेज ऑफ द गेज कॉर्नर क्रैकिंग है। उसके बाद ये जो सेकंड चित्र आप देख रहे हैं, इसमें गेज कॉर्नर क्रैकिंग थोड़ी बड़ी और प्रोमिनेंट हो गई है। और ये थर्ड जो देख रहे हैं, ये स्कैबिंग नहीं है, ये भी गेज कॉर्नर क्रैकिंग ही है। इसमें फर्क क्या होता है कि गेज कॉर्नर क्रैकिंग में आप जरा इस रीजन को देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कि ये जो क्रैक है एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल है, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें गेज कॉर्नर क्रैक जो है वो कुछ पैरेलल है, कुछ क्रॉस हो जा रहे हैं, ये क्रॉस हो गया है। ये सेकेंड स्टेज ऑफ गेज कॉर्नर क्रैकिंग है, जब ये क्रॉस होने लगते हैं। और थर्ड स्टेज ऑफ गेज कॉर्नर क्रैकिंग ये है कि ये डिफेक्ट क्रॉस होके थोड़े से डीप होके चेक कर जाते हैं और इसमें से स्टील की चिप्स उखड़ने लगती है। ये जब स्टील की चिप्स उखड़ने लगती है तो ये उसके डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके। स्कैबिंग थोड़ा बाद में मैं अभी चित्र में दिखाऊंगा, ये स्कैबिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की है कि ये गेज कॉर्नर क्रैकिंग अभी भी सर्फेशियल है, सरफेस पे है। अगर ये सरफेस पे डिफेक्ट रहता है और ये चिप्स निकल जाती हैं, तो इसका माने जो डिफेक्ट है वो रेल के डीप अंदर नहीं जा रहा है, ओके। ये चित्र अगर आप देखोगे तो ये जो है ये रीजन दिखा रहा है कि अभी भी ये सरफेस पे ही डिफेक्ट है, लेकिन ये चित्र दिखा रहा है कि ये डिफेक्ट जो है डीप अंदर जाने लगा है। और जब डिफेक्ट ये अंदर की तरफ जाने लगता है तो होगा क्या कि ये इसके ऊपर वाले लेइंग जो डिफेक्ट है ना, जैसे ये वाला डिफेक्ट ये है, तो इसकी वजह से आप यहां देख नहीं पाओगे। अगर आप इसको देख नहीं पाते हो बड़े वाले डिफेक्ट को, तो ये मास्किंग हो जाती है और ये इसकी टेंडेंसी जो है नीचे जाने की है और ये रेल के फुट तक पहुंच के क्रैक कर सकता है। तो ये चीज जो है वो थोड़ी दिक्कत से पकड़ में आती है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको गेज कॉर्नर क्रैकिंग दिख रही है तो थोड़ा कॉशियस हो जाइए और उसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। वहां पे अगर आपको डिफेक्ट पकड़ में आते हैं गुड, नहीं तो साइड प्रोबिंग भी करनी पड़ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी भी रेलवे द्वारा या टीवे या आपके ये यूएसएफडी मैनुअल में इस टाइप का कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि गेज कॉर्नर क्रैकिंग दिखने पे आपको फर्दर प्रोबिंग कहीं और से करनी है या नहीं। नॉर्मली वो क्या कहता है कि जब गेज कॉर्नर क्रैकिंग दिख रही है और वो बंच ऑफ डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं और फर्स्ट 2.5 mm के आसपास है, इसका माने उनकी डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, रेल सरफेस के पास में ही है, तो उनको निग्लेक्ट कर देना चाहिए। खाली आप उसको ऑब्जर्व करके मार्क करके छोड़ देंगे, उस पर कोई एक्शन नहीं बन रहा। लेकिन अगर ये आपको थोड़े से डीपर दिखाई देते हैं, थोड़ी हाइट ज्यादा दिखती है, थोड़ी ज्यादा लेंथ में दिखते हैं, तो इसको अगर आप साइड प्रोबिंग 0 डिग्री से करेंगे तो हो सकता है डिफेक्ट पकड़ में आ जाए। तो ये एक और आवश्यकता यहाँ दिखाई देती है कि हम 0 डिग्री प्रोब से क्या कर सकते हैं या 45 डिग्री का टेस्ट स्ट्रिक लगा के चेक कर सकते हैं, जो आपको स्कैब के लिए बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे स्कैब नहीं है फिर भी यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये आपको 0 डिग्री साइड प्रोबिंग या 45 डिग्री के टेस्ट स्ट्रिक से चेक करेंगे तो ये डिफेक्ट पकड़ में आने की संभावना है, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ओके, एज ए प्रिकॉशन कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है, वो भी रेल की सरफेस की है, जिसको कहते हैं शेलिंग।
शेलिंग का माने क्या हुआ कि ये जो एरिया आ रहा है रेल का, यहाँ पे इसमें फटीक फेल्योर हो रहा है, सॉरी इसमें यील्डिंग हो रही है, जो रेल व्हील इंटरेक्शन की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है वो इसकी यील्ड लिमिट के ज्यादा है। जब इस टाइप के यहाँ पे रेल मेटल फ्लो कर जाता है, कुछ दिन बाद ये जो सरफेस यहाँ दिख रही है, यहाँ से ये पोर्शन टोटली चिप ऑफ हो जाता है। तो ये जो चिप ऑफ हो रहा है, आपने बर्फ फॉर्मिंग भी देखा होगा, तो बर्फ फॉर्मिंग के लिए कहा जाता है कि इसको ग्राइंड करके निकाल दीजिए। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक चिप ऑफ हो जाता है तो ये रेल के सरफेस पे अगर इसकी डेप्थ ज्यादा नहीं है तो धीरे धीरे ये रेल के साथ घिस जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो चिपिंग ऑफ यू कैन सी हियर बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। तो अगर ये डीप हो जाती है, इसको शेलिंग ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, अगर ये डीप हो जाती है देन यहाँ पे आपका सब्सटेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हुआ है और इसपे जब व्हील का इंपैक्ट लोड वगैरह आता है तो फ्रैक्चर होने की संभावना है। लेकिन ये आपकी यूएसएफडी टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। इस टाइप की चीज आपको दिखती है तो आप ओपन लाइन पीडब्ल्यूआई को बता दीजिए कि भाई वहां पे रेल सरफेस में डिफेक्ट है, आप जाके देख के एग्जामिन करके अपनी कार्रवाई कीजिए। ये आपके लिए यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई के लिए कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, खाली आप बता देंगे योर जॉब इज डन। अब जैसे ये शेलिंग हो रही है, ये जो आपने देखा है, चूंकि यहाँ पे शेलिंग सडन क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होने की वजह से वहां पे भी अंदर ये फटीक प्रॉब्लम बनने लगती है। ये जो डिफेक्ट दिखाई दे रहा है किडनी डिफेक्ट, ये शेलिंग की वजह से भी बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी रेल के हेड में स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो वहां डिफेक्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है, ट्रांसवर्स डिफेक्ट बनते हैं। Now, ये भी शेलिंग के नीचे का एग्जाम्पल है, इसमें शेलिंग हुई है और सडन क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज हुआ है। तो आप देखो कि इसमें ये तो फटीक फेलियर नॉर्मल केस का बना हुआ है, लेकिन उसके बाद सडन फ्रैक्चर हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि जो ऊपर से क्रैक हो रहा है वो सडनली नीचे तक पहुंचते हैं और वो जो क्रैक होगा वो फटीक की तरह स्मूथ नहीं होता। जो आपको 10% और 25% क्रॉस सेक्शन एरिया का बात बताया था, उसमें कहा था कि विद इन दैट रीजन द साइज ऑफ डिफेक्ट इज मींस ग्रोथ ऑफ डिफेक्ट इज स्मॉल, उसमें टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद फिर ये ग्रोथ रैपिड होने लगती है। एक और तरह का डिफेक्ट है जिसको स्क्वाट बोलते हैं। स्क्वाट में क्या होता है, ये जो रेल का सरफेस है, यहाँ पे सरफेस के ठीक नीचे जो रेल का मटेरियल है वो यील्ड कर गया। अगर वो यील्ड कर जाएगा तो ऊपर के मटेरियल को सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो वहां पे ब्लैक स्पॉट बनने लगते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन बन गया है, क्योंकि ये एरिया जो है ज्यादा है कंपेयर टू दिस के। तो ये डिप्रेशन बनता चला जाता है और ये डिप्रेशन भी समय के साथ बढ़ता जाता है। खाना चाहिए अपना, थोड़ा सा आप माइक म्यूट कर लेंगे विजय। इनिशियली ये डिफेक्ट जो था वो थोड़ा छोटा है और लेटर ऑन ये डिफेक्ट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसमें भी प्रॉब्लम जो होती है, जिस तरह का ये स्क्वाट है, इसमें भी धीरे धीरे जैसे आपको गेज कॉर्नर क्रैकिंग बताया था, उसी तरह यहाँ पे भी सब सरफेस में डिफेक्ट जनरेट होने लगता है और वो भी अगर रेल की बॉडी में प्रोग्रेस करेगा तो फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। तो कई बार आप लोगों को फ्रैक्चर दिखता होगा, जो सडन फ्रैक्चर दिख रहा है, कहीं कोई कॉज नहीं है, तो उस केस में थोड़ा सा फ्रैक्चर टॉप सरफेस के आसपास देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको वहां पे उसमें ये स्क्वाट या गेज कॉर्नर क्रैकिंग या कोई और डिफेक्ट एनामली दिख जाए। अगर ऐसी कुछ एनामली दिख जाती है तो जो डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा प्रॉपर करने की कोशिश कीजिए। बोले लो
सर ये स्पॉट में कार्रवाई क्या करेंगे? इसमें आप खाली ये देख के ये ऑब्जर्व में रखना है, ये आपको प्री वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे रेल की सरफेस खराब हो रही है, इसका माने सरफेस के नीचे का पोर्शन थोड़ा डिफेक्टिव है, आपको वार्निंग दे रहा है ये। आपकी यूएसएफडी में आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा सरफेस पे रिलेवेंट है, इसलिए आप नहीं, खाली है आपको जो वॉच रखना है, अगर ये बढ़ रहा है इसकी साइज तो यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई खाली ओपन लाइन पीडब्ल्यूआई को बता दे कि देखो भाई यहाँ पे डिफेक्ट आपको बढ़ रहा है और ये आगे कभी फ्रैक्चर हो सकता है, आप यूएसएफडी में नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये जो डिफेक्ट की कैटेगरी मैंने बताई है अभी आपको, गेज कॉर्नर क्रैकिंग और स्क्वाट वगैरह, ये आप यूएसएफडी से नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या किया जाए, क्यों भाई? उसके लिए एक सर नई तरह की मशीन है जो परचेज की जा रही है, जो एडी करंट वगैरह कही जाती है, तो वो एडी करंट की मशीन जो है वो सरफेस के इस टाइप के डिफेक्ट को भी कैप्चर करके बता देगी सर। जब वो अभी प्लान ये है कि 19 मशीनें ली जा रही है अल्ट्रा ये वेक्यूलर यूएसएफडी, उसमें 4 एडी करंट से इक्विप्ड है, तो अगर वो आ जाती है तो हो जाएंगी। इसमें भी कहीं कुछ प्रॉब्लम फंसा हुआ है, लेकिन ये जो डिफेक्ट बता रहे हैं जो हम अल्ट्रासोनिक से नहीं पकड़ पाते हैं वो एडी करंट से पकड़ लेंगे, ये कार्रवाई चल रही है बोर्ड के स्तर पे सर। ठीक है, अब एक और तरह की प्रॉब्लम है जो आप ये देखो, ये सरफेस अगर आप देख रहे हैं यहां पे, तो ये रीजन जितना दिखा यहां तक ये स्मूथ वाला है, उसके बाद यहां तक का रीजन जो दिखा ये रैपिड वाला हो रहा है, और उसके बाद का ये रीजन जो है ये सडन वाला हो रहा है। लेकिन इस डिफेक्ट में जो मेन रीजन है वो इसकी वजह से हो रहा है, जो कोल्ड लिप फॉर्मिंग हो रहा है, ये दिख रहा है ये कोल्ड रोल्ड लिप, खासतौर से जहां शार्प पर होते हैं, जहां पे आपकी ग्रीसिंग अच्छी तरह से नहीं होती है, और वहां पे हैवी कंसंट्रेटेड लोड आने की वजह से जो स्टील का मेटल है वो फ्लो कर जाता है, और इसकी वजह से वहां पे ये फर्दर फटीग डिफेक्ट जनरेट होते हैं। तो जो मेंटेनेंस के काम में आपको ये कहा जाता है कि ग्रीसिंग करनी चाहिए कर्व पे, रेल के गेज फेस की ग्रीसिंग होनी चाहिए, वो इस तरह के डिफेक्ट जनरेट होना और उससे फ्रैक्चर होने को भी बचाता है। तो जो रेल की ग्रीसिंग करते हैं वो कई मायने में फायदेमंद है, डिरेलमेंट को भी रोकती है, व्हील क्लाइंबिंग को रोकती है, रेल के वियर एंड टियर को रोकती है, और उसके बाद इवेंचुअल फ्रैक्चर या डिरेलमेंट को भी रोक देती है। तो ये एक एक्सरसाइज है जो हमारे ओपन लाइन मेंटेनेंस के पीडब्ल्यूआईज है, उनको अच्छी तरह से समझ के इसको इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब ये जो चीज किसी ने पीछे कहा था स्कैब या व्हील बर्न, ये लोकेशन है जो स्कैब की है, ठीक है, ये स्कैब या व्हील बर्न वाली लोकेशन है। तो ये जो स्कैब और व्हील बर्न की लोकेशन है, इसमें दो तीन चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है। पहली चीज, ये आइसोलेशन में नहीं होती है, अगर लेफ्ट रेल में है तो राइट रेल में भी होगी, ये अगर जब भी होगी तो एटलीस्ट 2 या 3 एक साथ होंगे, यानी जो लोकोमोटिव के तीनों व्हील है एक ट्रॉली के, उन तीनों में एक साथ होगी। कई बार ये होता है उसी स्पेसिंग में लोकोमोटिव के 6 व्हील से बन जाती है, और ये किन जगहों पे होती है, जहां पे ग्रेडियंट की वजह से स्टॉलिंग होती है, जहां पे फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन है जैसे आउटर सिग्नल पे है, जहां पे आप जो स्टेशन में ट्रेन को लेने के पहले रोक लेते हैं, जो अपग्रेडियंट पे है वहां पे उसको रुकी ट्रेन को स्टार्ट होके पुल करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इन सब जगहों पे व्हील बर्न या स्कैब की प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ व्हील बर्न या स्कैब की प्रॉब्लम क्या है,
इस स्थिति में व्हील अपनी जगह पे रोटेट करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो रेल और व्हील के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से हीट डेवलप होती है और उस हीट की वजह से रेल में डिप्रेशन बन जाता है। तो जब ये स्थिति आती है तो हीट होने से रेल का टॉप सरफेस थोड़ा सा मेल्ट होता है, जो डिप्रेशन है बेसिकली रेल मेल्ट हो गई है। तो जब इतनी हीट आती है तो उस हीट का इफेक्ट रेल के हेड के अंदर भी आता है, तो रेल के अंदर उस हीट के इफेक्ट आने की वजह से उसका ग्रेन साइज बदल जाता है और वहां पे फटीग फ्लॉ होने लगता है। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये एरिया, ये हीट होने की वजह से यहाँ स्कैप बना, स्कैप बनने के बाद यहां तक तो इसने नॉर्मल फटीग बनाया है, लेकिन इसके बाद यू कैन सी दिस एरिया और ये यहाँ पे वेरी रैपिड डेवलपमेंट हुआ और वो सडन फ्रैक्चर हो रहा है। ओके, तो ये सरफेस आपको देख के समझनी है। इसमें कई बार क्या होता है कि इसका इलाज सिर्फ यही है कि पहले तो उस लोकेशन पे स्टॉलिंग होने को बचाया जाए, यानी ट्रेन को रुकना ना पड़े, लेकिन अगर वो सिग्नल के अप्रोच पे है, स्टेशन अप्रोच पे है जहां पे फॉर एनी रीजन ट्रेन को रुकना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम डिवीजन लेवल पे सभी को बता के सिग्नल को उस जगह से आगे या पीछे करके सॉल्व की जा सकती है। ये आसान नहीं है, ये बिगर प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग के कंट्रोल में अकेले नहीं है, इसमें डिवीजन को बताना पड़ेगा, सीनियर डीएन को बताना पड़ेगा, ऑपरेटिंग को बताना पड़ेगा, डीआरएम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन समझने के बाद सिग्नल पोस्ट को थोड़ा इस लोकेशन से हटाना पड़ेगा। इसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जब प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट होती है और बहुत ज्यादा स्कैप हो जाता है तो आप इतनी आसानी से रेल बदल भी नहीं पाते हो। आप एक बार रेल बदलते हो, दो बार बदलते हो, लेकिन ये हर महीने प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद हताश होके इसको आप कुछ भी करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ये जो फटीग फ्लॉ है वो बहुत बड़ा हो जाता है और रेल सडनली फ्रैक्चर हो जाती है। एक एग्जांपल मेरी नॉलेज में है, वो हुआ था बहुत साल पहले त्रिवेंडम डिवीजन में, उसमें एक रेल थी वो 13 जगह पे फ्रैक्चर हुई है और उसमें ये स्कैप वाली प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अकेले बस का नहीं है, तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा, अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा। सीनियर्स की जरूरत ये होती है कि वो डीआरएम एडीआरएम की नोटिस मिला के मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग बुला के समझा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑपरेटिंग, सिग्नलिंग और इंजीनियरिंग तीनों जरूरी है इसमें। ये देखिए, ये भी स्कैप का नतीजा है। स्कैप होने के बाद ये वाला जो पोर्शन रेल का दिख रहा है, ये बुरी तरह से इसमें ग्रेन साइज का हीट अप होने की वजह से ग्रेन साइज चेंज हुआ है और ये पोर्शन चिप होके निकल गया है एंड फाइनली बड़ा फ्रैक्चर बन के रेल टूट रही है। उसके बाद एक तरह का ये फ्लॉ होता है जिसको हम सडन फ्रैक्चर कहते हैं और इस फ्लॉ में हमें कोई डिफेक्ट नहीं दिख रहा। तो इस फ्लॉ में यही देखने की जरूरत होती है कि क्या ट्रैक में और कुछ परेशानी है, पैकिंग का डिफेक्ट है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा सरफेस ऊपर से दिख रहा है लेकिन नीचे अगर गौर से देखेंगे तो पता लगा लाइनर बाइटिंग होने की वजह से फ्लैंज विड्थ या रेल फुट जो है बहुत छोटा रह गया है। ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छी तरह से समझना है ताकि आपकी रिपोर्टिंग बहुत बराबर हो। अगर रिपोर्टिंग बराबर नहीं होती है तो उसके कॉजेज नहीं पता लगते हैं और हम लोग भ्रमित होके कुछ गलत पॉलिसी फॉलो करने लगते हैं। थोड़ा मैं यहां दोबारा से ब्रेक कर रहा हूं। ये किसी ने कुछ मटेरियल शो किया है, ये कौन है भाई जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर ट्रेडिंग कर रहा है? चटर्जी, डी चटर्जी, आप अपनी स्क्रीन मत शो कीजिए, कम से कम ट्रेडिंग मत कीजिए बैठ के। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है,
धीरज बोल रहे हैं सर किडनी एंड न्यूक्लियस फ्ला आर डिफरेंट और सेम। धीरज पानी दे देना, धीरज। यस सर। हाँ, किडनी एंड न्यूक्लियस फ्ला दोनों आपका आंसर है डिफरेंट और सेम, दोनों जो है डिफरेंट भी है और सेम भी है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि दोनों का ओरिजिन अलग अलग है। और सेम इसलिए है सर क्योंकि सर प्रोपगेशन सेम होगा सर इनका शायद। दोनों में फटीक फेल्योर हो रहा है। ओके सर, ओके। दोनों ट्रांसफर्स हैं, दोनों में फटीक फेल्योर है, इसलिए सेम है। ठीक है, ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन है अमित कुमार माल का, इफ इट इज बिलो, अगर जीसीसी के नीचे कोई भी ट्रांसफर्स फ्ला आता है तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वो डिपेंड करता है कि उसकी साइज कितनी बड़ी है। अगर वो बहुत छोटा है और जीसीसी काफी वाइड स्प्रेड है तो वो नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन जीसीसी थोड़ा सा स्पार्स है और हमारा डिफेक्ट साइज बड़ा है तो पकड़ में आ जाएगा। देयर इज 10-20% ऑफ इनिशियल फ्ला। इनिशियल फ्ला एक्चुअली वो ये है कि जब आप डिफेक्ट को तोड़ के देखते हैं और उसमें साइज दिखाई दी तो वो 10-20% की बात है। ये जो 10-20% की बात हम यहाँ पे कह रहे हैं वो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अप टू 10-20% देयर इज नॉट वेरी रैपिड ग्रोथ ऑफ द फ्ला। स्लो है फ्ला का ग्रोथ, यानी आपके पास थोड़ा टाइम है, यानी जो डिफेक्ट आप कैप्चर कर रहे हैं हो सकता है उसको ग्रो होने में 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय लगे, लेकिन जब वो 20% से ऊपर हो जाता है, 30-40% तक पहुंचने लगता है, तो 20% से 40% पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो पहले वाले टाइम का काफी शॉर्ट है, लेकिन 40 के ऊपर जब जाता है तो बहुत तेज हो जाता है, और जब वो 70-80% के ऊपर पहुंचता है तो हो सकता है सडन फ्रैक्चर हो जाए। तो ये चीज एक खाली एक इंडिकेशन है आपको बताने का कि जब आप, और उस चीज को हम कब लेंगे, ये चीज हमने अपने पॉलिसी में डिसाइड कर रखी है कि हम कब उसको IMRR OBC डिक्लेयर करते हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है? Or you wanted to share some of your experience or anything with us? Sir, squat वाला जो effect होता है, हाँ, तो उसपे सर 0 degree का curve जो जाता है, तो मतलब कुछ defects सर उससे मतलब detect होता जो है? Squat में जाएगा जब 0 degree का curve आप ले जाओगे, जी सर, और अगर हमारा defect जो है surface के 5-7 mm के नीचे है, जी जी, तो वहाँ पे back वाली को गायब हो जाएगी। सर कुछ मतलब डिफेक्ट सर आते हैं, मतलब 8-10 mm 12 mm पे सर जो है कभी कभी सर मतलब डिफेक्ट सर वहां से स्क्वायर से आते हैं जो है। आपने ऑब्जर्व किए हैं इस तरह के डिफेक्ट? जी 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 सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो वो 0 degree प्रोब में पकड़ में आता है? जी सर, जी सर, जी सर। इसे बैक वहां से हाँ, वहां पे आपको क्या दिखता है बैक वाली को में? जैसे मतलब वहां से मतलब 10 mm 12 mm पे मतलब से रिफ्लेक्शन आ जाता है जैसे सर। हाँ हाँ, अगर वो 10-12 mm तक है तो डेफिनेटली आपको बैक वाली को मिल जाएगी ऊपर उठी हुई बहुत ही जीरो के पास में, लेकिन अगर वो 5 mm के अंदर है तो नहीं मिलेगा, वो नॉइज जैसा कुछ लगता है। बराबर सर। तो यही मैं कह रहा हूं कि जब आप लोग USFD करते हैं तो थोड़ा रेल की सरफेस को भी एक बार ध्यान करके देख लें, तो उससे कुछ और भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर ये स्क्वाट डिफेक्ट बहुत छोटे हैं जैसा मैंने चित्र में शुरू में दिखाया था तो वो शायद आपको पकड़ में ना आए, लेकिन ये इंडिकेट देगा कि अगले 4-6 महीने में यहाँ पे बड़े डिफेक्ट हो सकते हैं। जी सर। ओके ओके सर। Okay, this question is from Pushpendra Tiwari.
Sometimes during 80 weld testing, we get horizontal peak movement of 70 degree probe in 5 to 10 division, means 50 to 100% of screen. Whereas sometimes we don't get it. Please explain whether it should be marked DFWO or not. Some of my seniors say that it is from the weld collar, but it is, if it is from the weld collar, it should come almost 60 to 70% of weld tested, but it only comes in 20 to 30% of the weld. I think you had mixed two, three points. First question is that when you get horizontal peak movement using 70 degree probe, जब 70 degree probe आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेल के हेड पे कर रहे हैं या फुट पे कर रहे हैं? क्योंकि आप वेल्ड क्लॉरर की बात कर रहे हैं तो ये रेल के फुट पे ही होना चाहिए. No, no, sir. It is, I am talking about rail head testing from 70 degree probe. As it comes from the FKV probe it in the central part of the rail, there is no peak. But if we probe from the gauge side and non-gauge side, sometimes peaks comes from there. Okay, agar aap 70 degree probe ko use karke rail ke head mein at the 80 weld location pe test kar rahe hain. Okay? Yes, sir. 80 weld head ke location pe jab aap 70 degree karke test karenge, तो उसमें जो वेल्ड कॉलर है उससे डिफेक्ट नहीं मिलना चाहिए. Yes sir, that's what I say, but some of my senior says that it is from weld collar. There is no defect. नहीं, ऐसा नहीं है. 70 डिग्री प्रोब जब आप रेल हेड में करेंगे तो ये वेल्ड कॉलर से नहीं होगा. जब आप रेल फुट पे करते हैं तब वेल्ड कॉलर से रिफ्लेक्ट होने की संभावना होती है. So, this issue came when I marked about 20 welds as DFWO, and my seniors asked that it is not defective. You should remove them. नहीं, क्योंकि 70 degree probes से जब आप use करते हैं तो rail के head से लगभग 50-55 mm के बाद का कोई डिफेक्ट आप नहीं कैप्चर करते हैं. सर दैट सीन्स टू से दैट इफ द डिफेक्ट इज इन हेड पोर्शन इट शुड कम फ्रॉम 20 टू 60 मींस सेकंड डिवीजन टू 6th डिवीजन. नहीं, वो बात सेकंड डिवीजन टू 6th डिवीजन की बात नहीं आती है. yes. जब आप 70 डिग्री प्रोब लेंगे तो 70 डिग्री प्रोब में रेल के हेड में टॉप से 5 एमएम से लेके 55 एमएम तक आपका लगभग 90% पोर्शन कवर हो जाएगा. यस सर. लेकिन जो रेल कॉलर है वो 55 के नीचे होगा. सर दे आर सेइंग दैट द पोर्शन ऑफ द वेल्ड मींस where the web portion is there, welding, there is rail ends and in between there is weld portion. Okay, sir? So, they are saying about the weld portion, head portion, means head of the weld portion. And they say that there is a discontinuity. Actually, what they are trying to say that, rail head kya, jo, aap keh sakte ho, andar wala jo curve hai, उसमें 5-7 एमएम का वेल्ड कॉलर दिया जाता है. yes, sir. ठीक है, वो वेल्ड कॉलर रेल हेड के नीचे से वेब होता हुआ फुट तक आता है. जी ठीक sir. है जी सर. जब आप 70 डिग्री प्रोब का इस्तेमाल करते हैं तो 70 डिग्री प्रोब का जो डिफेक्ट का जो ओरिएंटेशन है वो 70 डिग्री प्रोब के परपेंडिकुलर होना चाहिए. और yes, जो ये रेल के टॉप से लगभग 55 एमएम तक के लिए ही आप अपनी स्क्रीन को सेट करते हो. यस सर. तो जो डिफेक्ट का वेरिएशन है वो अगर रेल में रेल के हेड से या टॉप से 5 एमएम से लेके 55 एमएम तक है तब ये 10 एमएम से लेके मतलब फर्स्ट डिवीजन से लेके ऑलमोस्ट 9 डिवीजन तक मूव करेगा. लेकिन
रेल कॉयलर जो है आपका रेल के टॉप से 9 डिवीजन के बाद पहुंच रहा है, और वो चूंकि ट्रांसवर्स का उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए वो वेल्ड कॉलर से नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो इट इज वेरी स्मॉल पोर्शन, नॉर्मली वो नहीं आएगा। जी सर, ये सर एक फ्रैक्चर मतलब हमारे सेक्शन में हमने देखा था सर वेल्ड फ्रैक्चर, उसमें लॉन्ग गेज साइड में इफेक्ट था। ठीक है, आपने ये लगाया, ये इधर से देखना है, इतना ही तो मिलेगा ना, तो ये आपका एंड में आएगा। तो इसमें आपको डिफेक्ट पकड़, डिफेक्ट जो है वो बहुत लास्ट में मिलेगा। जी सर, ठीक है, तो वो नहीं आएगा। लेकिन जो आप कह रहे हो यहाँ पे लिखा है ना 5-10 डिवीजन ऑफ स्क्रीन वेयर समटाइम्स वी डोंट गेट, ओके, तो 5-10 डिवीजन में नहीं मिलेगा, एट द मोस्ट आप कह सकते 8 डिवीजन 9 डिवीजन में मिल गया, 10 डिवीजन में मिल गया। जी सर, बहुत ज्यादा मिलेगा तो नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। इट शुड, क्योंकि ये टॉप से 55 mm के बाद है। जी सर, तो 55 mm से लेके 60 mm तक का जो होगा वो आखिर का 1-2 डिवीजन में आएगा। सर जैसे जो बॉटम 55 का हाफ, जो बॉटम हाफ है सर, वहां पे अगर डिफेक्ट रहेगा तो फिर आ सकता है ना सर इस तरीके से। 55 का बॉटम हाफ का माने क्या हो गया, वो रेल के आधी आधी हेड की हाफ ऑफ द डिफेक्ट हाइट पे आ गया। जी सर, मतलब सर तब तो वो डिफेक्ट हो गया ना, तब तो वो रेल हेड में है। जी सर, वही मैं बोल रहा हूँ सर, तो वो अगर वो रेल हेड में है तो वो वेल्ड कॉलर की वजह से नहीं है। जी सर, वही मतलब सर हमारा फिफ्थ डिवीजन मतलब ये ऑलमोस्ट हो जाता है 26-28 mm ऑफ फ्रॉम टॉप। करेक्ट, तो इसका माने वो आपका हेड प्रॉपर में है, वो वेल्ड कॉलर नहीं है, इसका माने वो डिफेक्ट है। जी सर, मैं कह रहा हूँ सर, फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या कि उसको रेल टेस्टिंग में भी आना चाहिए। रेल टेस्टिंग और वेल टेस्टिंग में क्या अंतर है? नहीं सर, अंतर कुछ नहीं है, बट सर ऐसे नॉन गेज कई बार प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है 80 वेल्ड के पोर्शन पर, तो कई बार लो चल रहा है यार। वो सारी अलग चीजें हैं, वो अगर आपको पता है वहां पे आपका कपलेट फेल हो रहा है, कोई डिफेक्ट नहीं पकड़ में आता है, वो अलग चीजें हैं, तो वो तो नॉर्मल रेल टेस्टिंग में भी पकड़ना चाहिए। ओके सर, ओके। और इसके साथ एक और इशू भी समझिए आप, जब आप वेल्ड टेस्टिंग करते हैं तो वेल्ड टेस्टिंग में जो थ्रू होल लेते हैं उसकी क्या साइज होती है? वेल्ड टेस्टिंग में जब आप सेंसिटिविटी सेटिंग करते हैं तो उसमें होल की साइज क्या होती है? 3 mm। और जो रेल में क्या होती है? 12 mm रहती है। 3 mm एंड 3 mm वेल्ड में होती है सर, और 12 mm रेल में। 12 mm रेल के हेड में होती है, और गेज साइड में, इसमें गेज कॉर्नर साइड में, मींस गेज और नॉन गेज, नॉन गेज केस में 5 mm फ्लैट बॉटम होता है। ठीक है, तो जब 3 mm रखते हो और वहां पे 12 mm रखते हो तो किसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होगी? 3 mm पे तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया ना। यस सर, इसलिए वेल्ड में आप ज्यादा सेंसिटिव है तो ज्यादा डिफेक्ट पकड़ पाते हो, रेल में आप कम पकड़ पाते हो। तो सर मतलब ये, इसका मतलब ये हो सकता है कि 80 वेल्ड जो हमने अभी नॉन गेज में डिफेक्ट्स पकड़े हैं वो एक्चुअल डिफेक्ट्स हैं। यस, मुझे तो यही लगता है। ओके सर, ठीक है, और अगर ऐसा डाउट लगता है तो उसको दोनों साइड से चेक करो, अलग अलग तरह के डिफेक्ट से पकड़ने की कोशिश कीजिए, और वो ओरिएंटेशन अगर उसका डिफ्यूज्ड है, मेनी टाइम क्या होता है कि 80 वेल्ड में आपका इट मे नॉट बी ए प्लेन, वहां पे छोटे छोटे डिफ्यूज टाइप के डिफेक्ट है। यस सर, तो वो हो सकता है कंबाइंड होके दे रहे, थोड़ा उसको दोनों साइड से पकड़ के देखने की कोशिश कीजिए, और कुछ अगर
क्या कहते हैं आपको फिर भी डाउट है तो थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा के चेक करके देखिए सो दैट कपलिंग ज्यादा अच्छी हो और बाद में उसको खूब अच्छी तरह से क्लीन करके मुटा दीजिएगा पट्टी वगैरह से साफ लगा के साथ ताकि वहां पे व्हील स्लिप ना करे। जी सर ठीक है ओके सर ओके ओके और कुछ ठीक है चलिए आगे चलते हैं। सर हाँ बोलिए सर ये बोल रहे थे कि कभी कभार सर जब हम लोग रेल टेस्टिंग करते हैं तो रेल टेस्टिंग करने के टाइम में सर अगर कर्ब में रेल टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे एसकेबी वर्ल्ड में एनजीएफसी साइड में सर 7-10 डिवीजन में कुछ पिक दिख जाता है और उसके बाद जब हम वो वर्ल्ड को वर्ल्ड टेस्टर से टेस्ट करते हैं तो सर कुछ फ्लॉ कोई फ्लॉ नहीं मिलता है तो ये किस कारण से सर हो सकता है कि ये वर्ल्ड पोर्शन में एसकेबी वर्ल्ड पोर्शन में 7-10 डिवीजन में एनजीएफसी साइड में ही सर ज्यादातर मिलता है एक पीक दिख जाता है सर। रेल का जो नॉन गेज फेस है कर्व में अगर कर्व में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा और अगर आपने रेल को पलटी किया हुआ है पहले वो इनर रेल थी अब वहां से हटा के उसको आउटर रेल पे कर दिया है ठीक है जी सर। तो इनर रेल में उसमें क्या होता है कि जब हैवी व्हीकल जाता है तो इनर रेल के गेज फेस पे गेज कॉर्नर क्रैकिंग बहुत ज्यादा होती है। जब आप इनर रेल को आउटर रेल में और आउटर को इनर में ले आते हैं तो आप क्यों लाते हो कि उसमें वहां पे वियरिंग कम हुआ इधर वाली इधर कर दो हमारा रेल का हेड मिल जाएगा गेज मिल जाएगा और चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जो गेज कॉर्नर क्रैकिंग इनर रेल में थी वो आउटर रेल में पहुंच के उसमें जब ट्रांसवर्स लोड लगता है तो गेज कॉर्नर क्रैकिंग और वाइड हो जाती है और वो जो गेज कॉर्नर पहले गेज साइड में था अब वो नॉन गेज फेस पे पहुंच गया है। जी सर हेलो मोटो तो आप समझ में आ रहा है? यस सर ओके। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ड्यूरिंग 80 वेल्डिंग बाई 45 रैंडम रिग व्हाई ऑल द पीक्स कम इन बिटवीन 8-9 डिवीजन। ओके टैंडम रिग का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें वाई ऑल द पीक कम बिटवीन 8-9 पीक ऐसा तो हो भी ही नहीं सकता इट इज नॉट मस्ट। क्यों भाई चटर्जी 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 आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? ओके कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन ड्यूरिंग 80 वेल्डिंग बाय 45 डिग्री टैंडम रेग व्हाई ऑल द पीक कम बिटवीन 8-9 डिवीजन। और सेकेंड क्वेश्चन आपका है हाउ कैन आई कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द फ्लॉ ड्यूरिंग 45 डिग्री टैंडम रेग। हेलो सर बोलते हैं जो हम लोग जब 80 ऑयल में हम लोग जब 45 टर्न ऑफ चलाते हैं तो जितना सर फ्लो का पीक आता है हम देखे हैं 8.2 से 8.5 इसका बीच में ही आ रहा है। तो मैंने यही मैंने जनरल लिया है कि फ्लो है तो हम मैंने ज्यादातर से यही देखा है बीच में कोई जगह में नहीं कभी 10 डिवीजन में आ जाता है पर वो अगर प्लेट भी नहीं बताया तो 4-5 साल में टूटा नहीं मगर 8-9 डिवीजन में
हम जब ये किया है, डिटेक्ट किया है, ये अगर प्लेट नहीं बांधा तो भांग गया, इसका मतलब 8 to 9 डिवीजन के भीतर में आता है। तो मतलब बीम पाथ जो है 45 डिग्री का, उसका थोड़ा हमको ये कर दीजिएगा तो बढ़िया होगा। अच्छा अभी बताते हैं आपको, बताते हैं बीम पाथ हमेशा सेम रहेगा। बिल्कुल सही, कौन बोला ये? सर ओपी चौरसिया बोल रहा हूँ सर। सही बोल रहे हैं आप, थोड़ा भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये चित्र आपको कुछ दिख रहा है अभी? ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी? आप इसको ऐसे समझिए, ये रेल का टॉप है, ये वर्टिकल सरफेस है और ये रेल का फुट है, ठीक है? अब 45 डिग्री पे ये वेव हिट करेगा, फिर ये यहां से 45 डिग्री पे हिट करके यहां आएगा, फिर ये 45 डिग्री पे हिट करके यहां आएगा, ठीक है? और इसका दूसरा ले लेते हैं जो यहां से चालू किया हमने, ये यहां से 45 डिग्री पे हिट करके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां कहीं आएगा और फिर यहां से ये वापस आएगा और ये हिट करके ये वापस यहां से यहां कहीं आ गया, ठीक है? तो इस दोनों केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगर इस वाले केस में लेते हैं जो लाल वाले से बनाया था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, उसके बाद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और फिर उसके बाद ये जो उसने पकड़ा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है? ये कितना हो गया डिस्टेंस, यानी दिस प्लस दिस रेल का पूरा हाइट हो गया, ओके? और ये रेल का हाइट हो गया, यानी रेल का दो हाइट के बराबर उसने ट्रेवल किया है, और उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, रेल का हाइट अंडर रूट 2, तो 2 × √2 × रेल का हाइट h, इतना डिस्टेंस तुम्हारा बीम पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेट करोगे तो 2 √2 = 1.4 और × 2 = 2.8 इंटू रेल का हाइट लगभग आप 172 होता है, इफ यू मेक इट कितना हो जाएगा ये 2.8 × 1.7 कितना आएगा 1.4 × 2 × 1.172 इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, ठीक है? अब इसमें जो हमने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट करने में हमने आपका इसका लोकेशन तो चेक नहीं किया कि आपने प्रोब कहां पे रखा है, ठीक है? और हम जब प्रोब की सेटिंग करते हैं तो हम क्या रखते हैं, प्रोब की सेटिंग करने के लिए हम जो प्रोब कैसे आप सेट करते हो, दूसरा स्क्रीन कैसे लाए भाई इसमें, अब आप दूसरा अगर आप लाते हो, जब हम सेट करते हैं तो हम कैसे सेट करते हैं, ये हमारा ये हाइट है, हमने यहां पे रखा और ये वेव भेजा और ये वेव भेजा, तो हम क्या देख रहे हैं, अगेन हम जो है रेल की पूरी हाइट के हिसाब से डबल ऑफ द हाइट के लिए हम उसको सेट करते हैं, तो हर समय हम रेल की डबल हाइट लेते हैं और हर बार आप डबल हाइट ही मेजर कर रहे हो, समझ में आई बात? तो डिफेक्ट वर्टिकल प्लेन में कहीं पे भी हो, आप हर बार डबल हाइट के बराबर लेते, इसीलिए वो आपका 90% आप कह रहे हो उसके आसपास आता है, ठीक? हाँ सर,
ठीक है चटर्जी जी, ये बात समझ में आ गया। अब आपका अगला क्वेश्चन ये था कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा डिफेक्ट कहाँ पे है। तो अब आप ये समझो कि आपने प्रोब को यहाँ पे रखा है, इसका माने जो उसका डिफेक्ट से लोकेशन है वो कम है। प्रोब को हमने यहाँ रखा है तो उसका माने उसका डिफेक्ट से लोकेशन ज्यादा है। जब डिफेक्ट का लोकेशन कम है तो इसका माने वो हेड के रीजन की तरफ है, और जब डिफेक्ट का लोकेशन ज्यादा है तो इसका माने वो फुट के लोकेशन की तरफ है। समझ में आई बात? लोकेशन सर नहीं आएगा कभी क्या है? आप क्या कहना चाह रहे हैं फिर से बोलिए। एग्जैक्ट लोकेशन हमको कभी नहीं आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन आपको नाप के निकालना पड़ेगा कि डिफेक्ट के लोकेशन से आपका पहला वाला प्रोब कितनी दूर है, और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जितनी दूर है उतने ही डिस्टेंस में टॉप से डिफेक्ट का लोकेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया। यहाँ पे ये मैंने हाइट लिखा है, सरफेस डिस्टेंस मान लीजिए इसको मैं एस बोल रहा हूं, ये एंगल 45 डिग्री का है। ठीक है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस भी एस होगा, यानी ये यहां से डिफेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पॉइंट से। ओके, तो जब ये डिफेक्ट रिफ्लेक्ट होके आपके रिसीवर में पकड़ में आएगा तो वो रेल के हेड से यानी टॉप से वो एस डिस्टेंस पे डाउन है। जितनी दूर पे आपका प्रोब है उतनी डिस्टेंस पे उतनी डेप्थ पे डिफेक्ट होगा। समझ में आई बात? बीच में किसी ने मुझे हेल्प किया था, आप कौन बोल रहे थे जिन्होंने कहा था डिफेक्ट का लोकेशन कांस्टेंट रहेगा, किसी ने बोला था? आरोपी चौरसिया, सागर डीपीडब्ल्यूएस। हाँ चौरसिया जी, जो बात मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ या कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। वेल्डिंग जो प्रोब है उसके इंडेक्स से हम वेल्डिंग की डिस्टेंस लेंगे सर, और वही उसकी उसकी जो प्लाट की जो डेप्थ है वही उसकी डेप्थ होगी सर, उसको मेजर कर लेंगे हम। सर सॉरी सर, इसमें सर मैं कुछ पास वाला प्रोब रहेगा या दूर वाला? पास वाला प्रोब, पास वाला जो प्रोब से आपका सेंडर है वो है सर। जो ट्रांसमीटर सर जो ट्रांसमिट कर रहा है जो सर, वो प्रोब से कैलकुलेट होता है सर, जो नियरेस्ट जो ट्रांसमिट कर रहा है, जो ट्रांसमीटर है वहां से लेंगे। यस ठीक है, ओके। अब ये चीज अगर सभी को समझ में आती है इस तरह से कैलकुलेट करना, तो अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। ये 45 डिग्री की जगह अगर हम 70 डिग्री वाला प्रोब लगाते हैं जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, ठीक है, डिग्री वाले प्रोब के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैं ये बात कर रहा हूं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो सेम होता है, ऐसे ही होता है 70 डिग्री में, और ये हमारा फ्लॉ है। तो पहले मेरा प्रोब यहां पे था और फिर मेरा प्रोब यहां पे आ गया, ये 10th पोजीशन है। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन में इसमें भी बात नीचे की तरफ जाएंगे सर, सर वो बीम पाथ उससे सर बढ़ता है सर, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमने डिफेक्ट पकड़ा है और यहां से डिफेक्ट पकड़ा है तो नंबर 1 के केस में बीम पाथ कम होगा और नंबर 10 के केस में बीम पाथ ज्यादा होगा, और जिसमें बीम पाथ कम है उसमें उसकी सरफेस डिस्टेंस भी कम होगी और उसमें डिफेक्ट की डेप्थ भी कम होगी। यस यस, जिसमें हमारी सरफेस डिस्टेंस या बीम पाथ ज्यादा है उसमें डिफेक्ट की डेप्थ भी ज्यादा है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं?
या किसी को डाउट है, जिसको डाउट है वो बोले। कोई नहीं बोल रहा इसका माने किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। अभी यहां पे ये वाली स्लाइड हम आपको दिखाते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोग बताइए। यहीं से आप ए स्कैन और बी स्कैन का अंतर समझने की कोशिश कीजिए, जो आज का मूल विषय था। ये हमारा डिफेक्ट दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी, वेरी गुड, ठीक ठीक। ये जो लोकेशन दिख रही है आपको यहां पे, ये जो लोकेशन अभी आपने देखी, इसमें जो राइट टॉप वाला स्क्रीन था जिसमें प्रोब मूव होता है डिफेक्ट की तरफ, इसमें डिफेक्ट एक ओरिएंटेड दिखाई दिया था और जो टॉप में लेफ्ट की तरफ है उसमें आपकी पीक दिखाई देती है, और जो लेफ्ट बॉटम में है उसमें एक लाइन दिखाई दे रही है। वर्टिकल 36 mm मिलेगा, इसका माने ये जो डिफेक्ट है रेल के टॉप से 36 mm पे है। जब हम इसको बी स्कैन में प्लॉट करते हैं तो बी स्कैन में हम एक हॉरिजॉन्टल स्केल पे फर्स्ट पॉइंट को हम 36 mm डेप्थ पे ड्रॉ कर देंगे एक पॉइंट को, फिर हम इसको मूव करेंगे फर्दर, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और वो वहां से मान लीजिए हमें अगला पॉइंट मिल गया 28 mm बिलो पे, फिर उसको हम और आगे मूव करेंगे और हमें अगला पॉइंट मिल गया से 24 पे, अगला पॉइंट हमें इसी तरह से मूव करते जाएंगे, तो आई विल गेट एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर पॉइंट को जब हम स्केल पे प्लॉट करते हैं तो बी स्केल पे हमें ये सारे पॉइंट एक के बाद दिखाई देते हैं, और ये वर्टिकल से टॉप से सर्टेन डेप्थ पे है। क्योंकि हर बार हम प्रोब को डिफेक्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये हर जो वो थोड़ा थोड़ा अपने पोजीशन से आगे सरका हुआ दिखाई देता है आपको। इसी तरह से ये दिखता है जब इनिशियल सेट करते हैं और हमारी बी स्कैन में जो एक बार स्क्रीन की लेंथ होती है वो लगभग 2 meter के आसपास होती है, यू कैन से एक व्हील बेस के बराबर होती है, तो एक बार में 2 meter में ये जो डिफेक्ट है 165 mm के लगभग मूव हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज बाय पॉइंट्स मिलते हैं, और इन पॉइंट्स को एक साथ देखने से ऐसा लगता है कि एक तिरछी लाइन आपको बी स्कैन के ग्राफ में मिल जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? और इसी तरह से हमें बी स्कैन की रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। तो जो बी स्कैन का जो मशीन है उस मशीन में क्या होता है, वो ये 70 degree प्रो, उसका डेप्थ और हर डेप्थ के साथ उसकी जो पीक वैल्यू है उसे मानते कहते हैं कि इस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप ए स्कैन बना दीजिए, तो वो इन सारे डाटा को लेके की लोकेशन मूव करता चला जाता, इसलिए करते हैं एक स्कैन में हॉरिजॉन्टल स्केल हैं और मैक्सिमम हाइट दिखाते हैं, पकड़ के कर लें। समझ में आया ये बात?
पे हम दिखाए हैं जहां पे मेरा माउस मूव कर रहा है, इसमें आपने देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए हैं वैसे वैसे हम बिगर डिफेक्ट यानी डिफेक्ट की ज्यादा पोर्शन को कवर करते चले जाते हैं, और जैसे जैसे हम लार्जर पोर्शन को कवर करते हैं वैसे वैसे हमारी एम्पलीट्यूड भी बढ़ती चली जाती है। तो इन सारी चीजों को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमारा ए स्कैन बनाना आसान हो जाता है। ओके, मैं यहां पे फिर से एक बार स्टॉप करता हूं, अगेन वी विल हैव डिस्कशन फॉर 5 मिनट्स। अगेन एनी क्वेश्चन? सर ए स्कैन बी स्कैन में सर क्या अंतर है? ए स्कैन बी स्कैन में क्या अंतर है? जी सर, ए स्कैन और बी स्कैन एक ही डिफेक्ट को दो डिफरेंट तरह से ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। ए स्कैन बिना डिफेक्ट की लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के ये बताता है कि डिफेक्ट को कैप्चर करने के लिए 70 डिग्री प्रोब को हमने कितना मूव किया, यानी उसका बीम पाथ कितना ज्यादा से कितना कम हुआ, और हर बीम पाथ के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम पीक हाइट, और इन सब चीजों का वो एक एनवेलप प्लॉट कर देता है। ओके, जो इस चित्र में आपको दिखता है, ये जो एनवेलप प्लॉट किया हुआ है इसको हम ए स्कैन बताते हैं। इस ए स्कैन में हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता लग गया, मूवमेंट ऑफ द पीक, और ये मैक्सिमम पीक हाइट पता लग गया, ये ए स्कैन हुआ। बी स्कैन में हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देते हैं जो आपके राइट बॉटम कॉर्नर पे है। इसमें हम हर डिफेक्ट का पॉइंट, उस डिफेक्ट की रेल के टॉप से क्या डेप्थ है, और वो एक फिक्स लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, मान लीजिए हमारे स्क्रीन का फ्रेम 2 मीटर है, तो हम 2 मीटर की स्केल पे हॉरिजॉन्टल लोकेशन कितना मूव कर रही है उस चीज को दिखाते हैं। तो इसमें हम क्या दिखा देंगे, मान लीजिए जैसे ही हमें डिफेक्ट दिखा उसका फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हमने 0 पे ले लिया, लेकिन वो 2 मीटर की लोकेशन पे कहां दिख रहा है, वहां पे दिखा दिया। उसी के रिस्पेक्ट में अगला पॉइंट कितना रेल टॉप से नीचे है और इस पॉइंट से कितना आगे है, इस तरह से करते हुए हम ये सारे के सारे पॉइंट प्लॉट कर जाते हैं, और उन सारे पॉइंट्स का जो प्लॉट हम देखते हैं वो बी स्कैन कहलाता है। अर्थात बी स्कैन में वी आर एबल टू सी द लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ द डिफेक्ट एंड द डेप्थ ऑफ द डिफेक्ट। सर बताइए। सर बी स्कैन जो है वो फ्लॉ का ओरिएंटेशन भी दिखाता है हमको एक तरीके से, अगर हॉरिजॉन्टल, यस एक तरीके से, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लॉ ओरिएंटेशन। हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट दिखाता है सर 0 की पीक्स में, और इंक्लाइन दिखाता है 70 में सर। हाँ, तो एक तरह से ये हमें उसका क्या कहते हैं ओरिएंटेशन भी दिखाता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट, मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन का इंक्लाइन दिखाता है। यस, मोटे तौर पे आप सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें डिफेक्ट का लोकेशन लॉन्गिट्यूडनली, यहां पे डिफेक्ट का लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन आपको दिख रहा है इस केस में, जो स्कैन में नहीं दिखता है। ओके, ए स्कैन में आपका डिफेक्ट का मैक्सिमम पीक दिखाई देता है, बी स्कैन में पीक नहीं दिखाई देता है। ए स्कैन के बेसिस पे आप डिफेक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, बी स्कैन बेसिस पे आप डिफेक्ट को क्लासिफाई नहीं कर सकते। सर जो अभी कोडल प्रॉब्लम, सर व्हाट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ प्लेसिंग गेज, गेट की आइडियल पोजीशन, गेट को हम आइडियल पोजीशन पे क्या प्लेस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस डिफेक्ट को पकड़ना चाहते हैं। नॉर्मली हम गेट को नीचे से 20 mm
तो हाँ 20% पे प्लेस करते हैं, ओके, नीचे से 20 mm ऊपर करते हैं, और उसके बाद हमारा जो डिटेक्टेबल साइज है वो जब हम लेते हैं क्या कहते हैं गेज फेज या नॉन गेज फेज लेते हैं, तो उसमें हम 15% वर्टिकल से छोड़ देते हैं, तो 15 से आगे लेना चाहिए, राइट? मतलब सर हॉरिजॉन्टल स्केल में सर 1.5 डिवीजन से लेके शुरू होगा, 1.5 डिवीजन से लेके आप शुरू करेंगे, और वर्टिकल स्केल पे नीचे से 20% पे ले लेते हैं। नहीं सर, वो जो इनिशियल सिग्नल होता है उसके चलते सर बहुत सारा अग्रेसिव मतलब ये आ जाता है उसमें 20 स्कैन में, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है सर। ठीक है, तो उससे जब आप ग्रासी को आप वहां पे अपना गेट नहीं रख रहे हो तो आप लोग शो भी नहीं हो सकते उसके दौरान, कोई और आपके साथ पीछे से बात आपके साथ पीछे से कोई और बात कर रहे हैं, आप कौन मेरे से बात कर रहे हैं? एपी सिंह बात कर, कोई और बात कर रहा है बड़ा गलत बात है, थोड़ा एपीसी म्यूट कीजिए अपने आप। विक्टर आप फिर से बोलिए, आपको प्रॉब्लम क्या था? जो ग्रासी पी कहा जाता है, हाँ सर, जो इनिशियल सिग्नल जो होता है उसके लिए तो सर 1.5 सर आ जाता है उसमें बीच के लिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। लेकिन अगर कोई डिफेक्ट होगा, मैं मान लीजिए सर उसको हटा दिया, 2 डिवीजन से शुरू किया, लेकिन कोई डिफेक्ट होगा तभी वो, तब तो सर 20 स्कैन से वो निकल जाएगा, वो तो 20 स्कैन में नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या? ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि आपका अगर गेज फेस या नॉन गेज फेस है तो वो 15% के बाद ही तो चालू होता है ना, 15% में उसकी कोई भी पीक हाइट हो वो नॉन रिकॉर्डेबल होता है, ठीक है? ओके सर, इसीलिए आप 15 के आगे रख देंगे तो डिफेक्ट उसमें अगर है भी तो कोई नॉन रिपोर्टेबल है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिलीप कुमार सर, अपना नाम बता दीजिए, जो भी बोल रहे नाम बता दीजिए तो पता लगेगा कि किसी ने माइक ऑन की। सर मैं दिलीप कुमार महापात्र, एसएससी। हाँ बोलिए दिलीप, बोलिए दिलीप सर। एक्चुअली हम लोग को जो रेस करने टाइम में 70 डिग्री प्रोब यूज करते हैं, इसमें गैस फेस और नॉन गैस फेस और सेंट्रल तीनों प्रोब के लिए यूज करते हैं। मिनिमम जो क्लासिफिकेशन हम लोग को डिफेक्ट कराता है, मिनिमम है गैस फेस से ही हमारा सबसे सेंसिटिव गैस है, तो हर 15% जो हम लोग का गेट चालू होता है, 15 से 30 हमारा जो मिनिमम सर जो प्रॉप ओबीएस और आईएमआर जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल में, दैट इज मेड फ्रॉम 15 हॉरिजॉन्टल, 15 मोर देन 15 आगे जितना बढ़ सकते हैं सर। राइट में तो हाँ ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल स्केल तो मिनिमम सर 15 से आगे है, और हाइट ही हमारा 20% मिनिमम सर, जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ओबीएस और उसको चलते लेके आगे जितना बढ़ेंगे आईएमआर और ओबीएस जो मैंने क्लासिफिकेशन करेंगे, इसलिए जो गेट का जो इश्यू देते हैं कि एनी गेट हम लोग फिक्स करेंगे दैट शुड बी विदिन 15 से हम लोग चालू करेंगे ओरिजिनल स्केल का। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड गुड, क्योंकि मिनिमम हमारे सर 20% हाइट है सर, हमको आगे अगर ज्यादा बढ़ा के रखेंगे तो 20% जो ओबीएस कैटेगरी वाला जितना डिपेंड हम लोग सर उसको भी छूट जाएगा। सही कह रहे हो आप, ये हम लोग ऐसे ऐसे सर होल्डिंग के टाइम में भी सर, होल्डिंग के टाइम में भी जो हम होल्डिंग टेस्ट करते हैं सर, मिनिमम न्यू होल्डिंग करे और पुराना होल्डिंग करे उसमें 20% सर हाइट रखना है, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री प्रोब एंड 70 डिग्री प्रोब ये दोनों ही हम लोग को क्लासिफिकेशन करने टाइम में 0 डिग्री का कोई गेट को सर हम लोग मिनिमम 20% अगर रखेंगे, ये बोथ इट विल फैसिलिटी फॉर बोथ 70 डिग्री एंड 0 डिग्री प्रोब का जो डिटेक्शन टाइम हम लोग यही होगा सर। करेक्ट, सही कह रहे हैं, एक 20 में रख लीजिए, दूसरा 80 पे रख लीजिए, हाँ तो आपको सब मिल जाएगा, सब मिल
इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, यू कैन क्लासिफाई मैनेजरली। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? सर मैं एम खोखरो डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे। बहुत बढ़िया, गुड, ऐसे ही अच्छी तरह से काम कीजिए, आपको अच्छा समझ है। गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए और किसी का कोई प्रॉब्लम है? सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, एटीएल रिलेटेड सर। हाँ बोलिए। सर कोई भी एटीएल अगर एग्जीक्यूट होता है, जैसे अभी मतलब अभी अभी सर नया मतलब उसका ये हुआ है, लेकिन उसका आफ्टर कितना देर के बाद सर उसका हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करना चाहिए, जो उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पूरा मतलब सॉलिड में आ जाए? क्योंकि सर कभी कभी हम लोग को इतना मतलब बोला जाता है कि एटी वेल्ड होने के बाद तुरंत उसको टेस्टिंग किया जाए, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड मैनुअल में कहीं भी सर इस तरह का कुछ गाइडलाइन नहीं है जो वेल्डिंग के कितना देर के बाद उसका अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग किया जाए? ओके ओके, वेल्डिंग में वेल्डिंग के टेस्टिंग का जो गाइडलाइन है वो अगर आप पीवी मैनुअल देखते हैं तो उसमें है कि वो एक महीने के अंदर में कर लेना चाहिए। सर वो तो विद इन वन मंथ में कर लेना चाहिए सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर वेल्डिंग होने के कितना देर के बाद हम करना पॉसिबिलिटी होगा सर? आप जिस समय उसको हाथ से पकड़ सकते हैं उस समय कर लेना चाहिए। लगभग सुनो लगभग आपको एक डेढ़ घंटा लगेगा बस सर, जब वो कूल हो जाता है पूरी तरह से। हाँ वो ठीक है, जब आप उस मेरा कहने का मान है जब इतना कूल हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर पे आ जाता है तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, आप उसमें उसका पूरा ग्रेन बनना था बन चुका होता है। और वो एक घंटे का समय सर, वो टेम्परेचर ही फैक्टर है और सर मॉलिक्यूल अंदर का कुछ फैक्टर नहीं है, सब टेम्परेचर के साथ बन जाता है। थैंक यू सर। ओके सर, हाँ बोलिए सर। एक्चुअली होल्डिंग सर, जो न्यू होल्डिंग एग्जीक्यूशन होता है सर, मैनुअल का प्रोविजन है सर से इट शुड बी टेस्टेड इमीडिएटली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द होल्डिंग, और दैट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर वन मंथ पर वन मंथ सर। ये हिसाब से सर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर कोई सर कोई एनालिसिस नहीं है मैनुअल के हिसाब से। हम लोग को जो टेस्टिंग सर वो लोग होल्डिंग करके दिए हैं सेक्शन में, हम उसको टेस्टिंग करेंगे, डिफेक्ट है तो क्लासिफिकेशन करेंगे, मॉलिक्यूलर कोई इसका कोई संपर्क नहीं है। हमको इमीडिएट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द होल्डिंग टेस्टिंग शुड बी कंप्लीटेड। तो ये बात जो ये पूछ रहे थे इंद्रजीत, वो सिर्फ इतना था कि अगर जब वेल्ड कूल हो जाता है, कूल होने के बाद उसमें फिर कोई और ग्रेन में अंतर नहीं आने वाला होता है, यानी आपका एक डेढ़ घंटे के अंदर में वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, उस समय आप टेस्ट कर सकते हैं आराम से। सही बात कह रहे हो, जब आप पकड़ सकते हो तो टेस्ट कर सकते हो। सर जो पर्पस प्रूफ का है वो पर्पस खो जाएगा। पाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पाल। बात ये है जो हम लोग टेस्टिंग पीस में जो सेंट्रल प्रॉप का करते हैं 12 एमएम डाया होल करते हैं, और गेज फेस के लिए सर 5 एमएम करते हैं, और ओरिंग के लिए 3 एमएम करते हैं। तो ये सर क्यों ये डिफरेंस हम लोग रखते हैं कि सेंट्रल के लिए 12 एमएम, ये के लिए 5 एमएम, और ओरिंग के लिए 3 एमएम? ओके, इसलिए करते हैं कि जो 3 एमएम का होल करते हैं उसको करके आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। वेल्ड में जब आप करते हो तो उसमें बहुत सी माइक्रोपोरोसिटी बनती है, ठीक है? माइक्रोपोरोसिटी होने की वजह से आप उसके डिफेक्ट को टारगेट करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहां पे आप जो है छोटे डिफेक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप 12 एमएम का लेते हैं तो 12 एमएम पे जब आपका बीम पाथ आता है, हेलो हाँ सर, भाई साहब प्रणाम, भाई साहब मैं जरा 15 मिनट में उतर रहा हूं, मैं थोड़ा वेबिनार ले रहा हूं, एक लेक्चर ले रहा हूं, 15 मिनट में उतरता हूं भाई साहब। नहीं मैं यहां पे हूं गांधीनगर में, मैं गांधीनगर में हूँ, जरा अभी लेक्चर में हूँ, 5 मिनट में फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा सर जी, सर लारे बोल रहा था। हाँ एक मिनट, तो इसमें क्या होता है कि जब ये डिफेक्ट आप
आपके इस तरह से ओरिएंटेड हैं, इसलिए हम छोटी साइज में लेना चाहते हैं ताकि हमारे डिफेक्ट पकड़ में आ जाए। और ये समझो कि जब हम 12 mm डाया का होल पे डिफेक्ट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो जो ये अल्ट्रासोनिक वेव होती है ये एक पैरेलल शीट की तरह ट्रेवल करती है। तो ये जब 12 mm के होल को हिट करेगा तो लगभग 1 mm या 2 mm की विड्थ वाला रीजन को ये वहां से अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्ट होंगी और पकड़ में आएंगी। तो ऑलमोस्ट ये 2 mm भाई इसकी जो साइज है वो 20 mm इस साइज के एरिया को पकड़ पाता है। लेकिन जब हम गेज फेस या नॉन गेज फेस को पकड़ते हैं तो वहां पे हम 5 mm का फ्लैट बॉटम होल लेते हैं। तो फ्लैट बॉटम होल जो है वो 5 mm डाया का पूरा एक साथ वेव को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो एरिया से रिलेटेड है कि कितने एरिया से हम वेव को रिफ्लेक्ट करा पाते हैं। ओके, इसीलिए हम नॉर्मल रेल में ज्यादा बड़े साइज से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं और वेल्ड में हम छोटे साइज से रिफ्लेक्ट करा रहे हैं ताकि वेल्ड में हम माइक्रोपोरोसिटी को पकड़ पाए। सर अच्छा सर सर वन मोर क्वेश्चन सर सर वन मोर क्वेश्चन सर, ये हम लोग जो ये परफॉर्मेंस करते हैं वो सिंगल क्रिस्टल से करते हैं और लेकिन जब हम लोग काम जो करते हैं 0 डिग्री के वो डबल क्रिस्टल से करते हैं, तो परफॉर्मेंस अगर डबल क्रिस्टल से करूं तो क्या सर प्रॉब्लम हो सकता है? डबल क्रिस्टल से अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको नॉइस की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। और जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स नापते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आप सिस्टम की नापते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपकी प्रोब की है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोब और सिस्टम दोनों की है। और उसमें ज्यादातर जब आप इंक्लाइन प्रोब से लेते हैं तो वो सारी प्रोब की कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। ठीक है सर। हेलो सर, रेल टेस्टिंग में हेलो हाँ बोलिए बोलिए सर। सर डीआरडी एनआरडी सर रेल टेस्टिंग में बट पे जब प्रोब जीरो आती है तो कम्प्लीटली बैक वॉल का सेपरेशन हो जाता है, मतलब वहां बैक वॉल आती नहीं है। कई बार फ्लैश सर रेल टेस्टिंग में फ्लैश बट वेल्ड पे 0 डिग्री प्रोब से बैक वॉल कम्प्लीटली लॉस हो जाती है। अब कई बार ऐसा फ्लैश बट में होता है कि बैक वॉल लॉस हो गई, कई बार फ्लैश बट पे आती है अगर प्रोब तो बैक वॉल लॉस नहीं होती है। सर जब कभी बैक वॉल अगर लॉस हो रही है या कम्प्लीटली खत्म हो जा रही है तो उस कंडीशन में उसको हम फ्लॉ मानेंगे या नहीं मानेंगे? वो क्योंकि 2-3 mm के मूवमेंट के लिए होती है बस बैक वॉल लॉस, फिर दोबारा से फिर शो होने लगती है। तो वहां पे आपने जब ये लेते हैं तो उसमें आपको क्या वेल्ड पे के सरफेस पे कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है? कपिंग वगैरह आती है वहां पे? लॉस ऑफ कपलिंग है? नो सर, नो सर, कोई लॉस नहीं है। ठीक है, बैक फ्लैशबैक वेल्ड में कई बार हॉरिजॉन्टल डिफेक्ट बनते हैं, फटीक के डिफेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी साइज बहुत छोटी होती है तो उनको पकड़ना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अभी जो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या कहिए कि इनिशियली अभी एक नया टेस्टिंग सिस्टम चालू किया जा रहा है जिसको कहते हैं फेज्ड अरे, PAUT फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो अभी सिस्टम चालू कर दिया गया है और उससे खाली फ्लैश बट के लिए ही आपको डिफेक्ट पकड़ना है। तो सर अगर ये बैक वॉल लॉस हो रही है तो उसको फिर हम अभी सुनो बैक वॉल लॉस होने के लिए अभी प्रोविजन क्या है, 20 mm से ज्यादा होना चाहिए। अगर 20 mm से ज्यादा लेंथ में नहीं है तो आप उसको IMR नहीं बता सकते हैं और उसमें OBS बताने का कोई प्रोविजन नहीं है। जी सर, तो इसलिए अभी जो ये फेज्ड अरे टेक्नोलॉजी है वो फ्लैश बट वेल्ड की इनिशियल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और जैसे जैसे उसमें हमें नॉलेज बढ़ेगी और उसकी सक्सेस होगी, हो सकता है फ्यूचर में वो फ्लैश बट के लिए इन सर्विस भी उसकी कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी जाए।
हेलो सर, बोलिए बोलिए सर, ये क्या है सर? हेलो सर, बोलिए बोलिए। मैं मुकेश सिन्हा बोल रहा हूँ सर, जबलपुर डिवीजन से। सर जब हापुन का टेस्टिंग करते हैं 45 डिग्री से, तो हापुन सर जनरली जो है फ्लैंज में ही रहता है सर, जिसकी मैं चेक करता, जिसका मैं चेक करता हूँ, और खराबी आने पर उसका मैं DFWR लगाता हूँ। सर काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक बेल्ट टूटा भी था सर, तो उसमें देख रहे थे कि वेन में कुछ ब्लैकेज था, मतलब वेन में डिफेक्ट था, और मैं टेस्टिंग भी करता हूँ तो कहीं कहीं वेन में यानी 80 से 100 mm के डेप्थ में कोई फ्लॉ दिखता है सर, मतलब कि 45 डिग्री से। तो ऐसे फ्लॉ को सर DFWR के घोषित कर पाएंगे सर क्या, कि क्योंकि मैनुअल में उसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है सर। ओके, एक बात बताओ, आपके में ये डिफेक्ट जो चेक करते हो उसमें क्या क्राइटेरिया है? हापुन अगर सर वेव में है तो क्राइटेरिया क्या 45 डिग्री पे? वो ये थोड़ी कहता है कि क्या आपने देखा कि उस तरह से हमें कोई भी डिफेक्ट दिखा और वो डिफेक्टिव हो जाता है? नहीं, 20% पर DFWR कर लेते हैं सर, लेकिन मैनुअल में नहीं दिया है सर, लेकिन वो हापुन जो है सर फूड में देखते हैं। आप फूड को टारगेट करते हो और उसके बाद मूव करते हैं जी, आगे पीछे उसको मूव करते हैं, ठीक है जी, लेकिन मैनुअल में ये नहीं दिया ना कि आप किस रीजन में देखेंगे और कितनी डेप्थ में देखेंगे। उसने कहा है कि अगर आप इस तरह से मूव करने से कोई भी मिला तो आप कर दो, लेकिन एक बात बताओ, अगर वो हाफ मून डिफेक्ट फुट के पास नहीं है तो आप सिंगल प्रोब से अगर वो वेब में है तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे? नहीं आता है सर, मैं देखा हूँ सर, वेल सेंटर में मैं नापा भी हूँ, लेकिन वेल सेंटर में ही है वो। अरे भाई वो सुनो, अरे सुनिए सुनिए, वो तब भी आपको पकड़ में आएगा जब वो हाफ मून की नहीं कोई और डिफेक्ट है वहां पे फेवरेबली ओरिएंटेड है। अगर वो फेवरेबली ओरिएंटेड नहीं है तो नहीं पकड़ में आएगा, नहीं ऐसा बहुत कम होता है। नहीं नहीं मोनिका ना वो हापुन सर वेव में भी है, मतलब वेव में हमको फ्लॉ दिख रहा है, वो वेव गलत फ्लॉ को डिटेक्ट हो रहा है, तो उस फ्लॉ को हम किस क्राइटेरिया में डालेंगे, क्योंकि मैनुअल तो इसके बारे में नहीं है सर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप 45 डिग्री प्रोब से टारगेट करते हो तो वो हाफ मून के लिए है और हाफ मून आपके फुट के लोकेशन पे है, और आपने अपने प्रोब को अकॉर्डिंगली उतनी ही डेप्थ पे रख के 20 mm आगे पीछे मूव किया है बस। जी 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 सर, तो अगर आप वेब में तभी पकड़ पाओगे जब आप 20 mm से लेके जीरो तक आ रहे हो। जी जी, उसे लेके आप जीरो तक आएंगे तभी आप पकड़ पाएंगे। आते हैं सर तो 80 से 100 mm के बीच में सर मेरे को फ्लॉ मिला है, और जब बेल्ट टूटा है सर तो मेरे को फ्लॉ वहां दिखा भी है सर। मैं आपकी बात को ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमें प्रोविजन दिया हुआ है मैनुअल में वो यही दिया है कि सेंटर ऑफ व्हील से 172 नापेंगे और वहां पे रख के प्रोब को 20 mm आगे पीछे मूव करेंगे। नहीं तो इस केस में मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मान लीजिए बेल्ट टूट जाता है और फ्लॉ दिख जाता है तो क्या उसके लिए हम दोषी हैं क्या? हाँ, अब ये बात आपकी सही है, ये आप सही क्वेश्चन है, आप उस बात के लिए दोषी इसलिए नहीं है कि जो क्या कहते हैं सिंगल क्रिस्टल प्रोब से, सिंगल 45 डिग्री प्रोब से पकड़ना है, वो इस डिफेक्ट को टारगेट नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन ये टेंडम प्रोब से पकड़ में नहीं आया? अगर वहां डिफेक्ट है तो टेंडम प्रोब से भी पकड़ में आएगा, और अगर टेंडम प्रोब से पकड़ में आ रहा है और आपने नहीं पकड़ा है तब आप दोषी हो जाएंगे। सिंगल 45 डिग्री प्रोब से आप दोषी नहीं है। ये का सर टेंडम रिंग का उपयोग सिर्फ न्यू जॉइंट में करते हैं कि ऑल जॉइंट्स में करते हैं सर? सारे में करोगे भाई, सारे के लिए सर। हाँ तो अगर मान लीजिए कि सर 45 सिंगल से अगर आ रहा है तो उससे जो है उससे क्रॉस चेक के लिए सर हम टेंडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। करना चाहिए,
एक्चुअली आपको करके टेंडम से डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए 45 डिग्री पे, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट ले लिया इसलिए आपको मिल रहा है। और सर उसको टेंडम के हिसाब से ही करना पड़ेगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं बोलिए दीपांकर बसा बोल रहा हूँ। 45 जो पकड़ते हैं सर, 45 जो हाफ मून पकड़ते हैं वो फुट के लोकेशन में पकड़ते हैं, और जो हम लोगों का टैंडम है वो भी वर्टिकल पकड़ते हैं, लेकिन वो वेव हेड जंक्शन से फुट वेव जंक्शन के बीच पकड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊपर में मतलब वेव जंक्शन में नॉर्मल सिंगल 45 के फ्लो आ जाता है, तो इसको हम क्या फ्लो दे सकते हैं क्या छोड़ सकते हैं? देखो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंगल 45 है उसका एम जो है हाफ मून डिफेक्ट पकड़ना है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जगह बच गई है उसके लिए आपको टैंडम प्रोब का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको सिंगल 45 से भी कोई डिफेक्ट पकड़ में आ जाता है तो टैंडम से उसको वेरीफाई करके क्लासीफाई कर दीजिए। अगर सर टेंडम से नहीं आ रहा है वो, इसका मतलब कि फ्लॉ नहीं है वो? टेंडम से अगर वो नहीं आ रहा है और सिंगल से वो आ रहा है तो वहां पे कोई फ्लॉ है जो हमारे कोड मैनुअल में डिफाइंड नहीं है। तो उसको फिर क्या गुड वेट करके छोड़ सकते हैं सर? जब डिफाइंड नहीं है तो आप उसको कैसे क्लासीफाई करोगे? या तो फिर खुद के ऑब्जर्वेशन में रखे सर, खुद के ऑब्जर्वेशन में रखिए, दोनों साइड से पकड़ने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो डिफेक्टिव है तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको डिफेक्ट डिक्लेयर कीजिए, लेकिन लिखो कि इससे नहीं पकड़ में आया, इससे पकड़ में आया, इसलिए मैं सेफ्टी की वजह से इसको डिफेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो उसमें सर मतलब रिपोर्ट अगर देते हैं तो उसमें हम 45 डिग्री फूड न देकर के वेव दे देते हैं, और 30% 40% जो भी दे देते हैं, आप उसको भी उस तरह से रिपोर्ट करके दीजिए, लेकिन वो मैनुअल में डिफाइंड नहीं है। रिपोर्ट देने पे ये तो रहेगा सर, कल हो के टूटेगा अगर कम से कम वेब में दिखेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने वेब में डिक्लेयर किया था। ठीक है, लेकिन ये है कि इस तरह से अगर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग आएंगे तो आप जो है यूएसएफडी टेस्टिंग की बेसिक को ही आप क्वेश्चन कर रहे हो कि हमारे जो प्रोविजन है वो पूरे नहीं है, तो इन सब चीजों में अगर बहुत ज्यादा ऐसे आ रहे हैं केस तो उसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करके ये जानने की जरूरत है कि ये क्या आ रहे हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे के सारे केसेज आप अपने ऊपर जो आपके डिप्टी सी साहब हैं उनको बताइए और उनको कहिए कि वो आरडीएसओ को रिफर करके कुछ और उसको निकालने की कोशिश करें। हालांकि सर ये जो सर समस्या आ रही है सर पुराने जोड़ों में नहीं आ रही है, ये विगत एक साल में जो जोड़ हुए ना उसमें ज्यादा आ रही है, पुराने जोड़ में ऐसी समस्या नहीं आ रही। तो ये थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि वो जोड़ है वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के जोड़ है या पर्टिकुलर वेल्डर के किए हुए जोड़ है जिसकी वेल्डिंग की टेक्निक में गड़बड़ी है या किसी और कोई और वजह है, तो इन चीजों को देखिए, हो सकता है उन जोड़ों में ट्रेन जल्दी चला दी गई हो, मतलब इस तरह के तमाम चीजें हैं जो उसके डिफेक्ट को बढ़ाने की संभावना रख रहे हैं, तो उसको थोड़ा डीप एनालिसिस करके देखा जाए कि अगर पुराने जोड़ों में नहीं आती है, नई में आ रही है तो कोई और वजह है। और मैं नहीं, ये आप जो 37 डिग्री से कह रहे हैं ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा और स्टोर करने की जरूरत है जी सर, क्योंकि कुछ डिफेक्ट मैंने भी देखे हैं जो 37 डिग्री के लिए फेवरेबली ओरिएंटेड है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा नहीं है तो मैं अभी उसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके पास है तो वो मेरे को शेयर करो। सर मैं देव प्रजेंद्र जी बोल रहा हूँ, ये हाँ ये जो दीपांकर बोसक बोला है ये हम एटी ऑयल में भी देखा है, और अभी हालत में हम वो नॉर्मल टेस्ट कर रहा है और उसमें जो एटी ऑयल में आ रहा है वो एकदम नीचे साइन में एक तो 20 कैन में दागी भी रह जाता है, और उसके साथ जो ये है वो रोलिंग मार्क है सर 2008 से लेके 12 तक रेल का, एटी ऑयल का बात नहीं, रेल का बात है, और एटी ऑयल उतना ही पुराना होगा काहे कि रेल जो है वो पुराना है, तो यानी आप रेल टेस्टिंग के समय आपको मिला है ये? हाँ हाँ, रेल टेस्टिंग का समय 37 में जो दीपांकर बसक बोल रहा है वो सिर्फ एफ बी ऑयल में उसको मिला है।
80 वोल्ट में, ठीक है, अगर 80 वोल्ट में आपको ये मिल रहा है 37 डिग्री से, और 0 डिग्री का क्या मिलता है वहां पे? 0 डिग्री में सर सिंपल काट मिल रहा है, कुछ फ्लॉ माने बैकपिक्स लॉस हो जाता है और कुछ नहीं आता है। तो इसका माने अगर ऐसा है तो वहां पे फ्लॉ पैदा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 37 डिग्री और 0 डिग्री प्रोब है दोनों सेम फ्लॉ को नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए 37 डिग्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर 37 डिग्री पे आप कोई फ्लॉ पकड़ते हैं तो आई थिंक वो डिफेक्टिव डिक्लेयर हो जाता है। तो 37 पे अगर आपको मिला है तो वो डिफेक्टिव डिक्लेयर होके फिर आप निकालिए फ्लैशबैक के लिए जो 37 डिग्री से बैक पीक 37 डिग्री से जो पीक आ रहा है तो रेल का 0 डिग्री पीक सर उसमें बरकरार है, मतलब 0 डिग्री का पीक रहता है। 0 डिग्री पीक नहीं, इसीलिए 37 का आप लेंगे ना, 0 पे मिले या नहीं मिले, अगर 37 मिला है तो निकालो उसको। जी सर, सर मैं इस 37 के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए सर। ये मेरा एक्चुअल मैं सर आधा डिवीजन से बोल रहा हूँ, जैसे सीओ से। बोलिए बोलिए सर। सर 37 से इसलिए बैक पीक देखने को मिलता है क्योंकि वो सिमिलर केस है सर 45 डिग्री हाफ मून टेस्ट में हम लोग जो करते हैं वहां पे सर वो फोर्ट पे जाके वहां से फिर रिटर्न आता है सर। वो नॉर्मली होता ये है कि सर वो ज्यादातर फ्लैशबैक पे उसका बॉटम पे प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं होती है जिसके वजह से वो कॉर्नर का एक कॉलर का पीक मिलता है। सेम केस है सर यही है। लेकिन अगर ये 37 पे मिलेगा तो एक्चुअली इसका थोड़ा सा वो डिटेल चाहिए मुझे, सीधे कहना पॉसिबल नहीं है लेकिन डिटेल चाहिए। तो 37 पे अगर मिल रहा है और 37 क्या कहते हैं उसको टारगेट कोशिश करते हैं जो वेल्ड के आसपास का होल के आसपास की बात नहीं आ रही सर, वो 8-9 डिवीजन के बारे में बता रहे हैं उसको पकड़ना, मतलब ये सर एग्जैक्ट आपका फूड के बारे में बता रहे हैं सर। ये अगर वेब पे है दैट इज डिफेक्ट अनडाउटली, लेकिन वो फूड पे आ रहा है सर 8 और 9 डिवीजन के आसपास आ रहे हैं और ये एग्जैक्ट कॉलर से ही आ रहे हैं सर क्योंकि हमारा रेंज है 275 सर वहाँ पे। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इस टाइप की जो डिफेक्ट्स हैं या इस टाइप की जो एनोमली है उन चीजों को कृपया करके रिकॉर्ड कीजिए और सबको रिफ्लेक्ट कीजिए, फिर सारी चीजों को एक साथ ज्वाइन करके इसमें अगर कहीं पे हमें कोई गाइडलाइन निकालनी है या कोई पॉलिसी चेंज करनी है या कुछ और डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन बदलना है तो करना पड़ेगा एक दो केसेस में, क्योंकि 37 डिग्री अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कुछ एक चीजें हैं जो उसको प्रॉपरली इनबिल्ट करने में छूट गया हो, तो जब आप लोग बताएंगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा। सर मैं बाकी मेरे यूएसएफ भी साथी से ये भी यही बस एक सजेशन देना चाहूंगा, जैसे हम लोग 45 भी हार्मोन टेस्ट में हम लोग टेस्ट करते हैं तो हम लोग को कॉला की पीक दिखता है तो उसमें हम लोग कोई सवाल पैदा नहीं करते। सेम केसेस है 37 में 275 रेंज रहते हैं, रेल टेस्टिंग में वही कॉलर का पीक आना एकदम जायज है सर, वो एकदम नॉर्मल है क्योंकि वहां पे फूड पे अगर कोई हाथ देके देखेंगे सर जस्ट ब्लस्ट थोड़ा हटा करके तो आपको एकदम क्लियर वहां पे कॉर्नर दिख जाएंगे, हाथ से आप महसूस कर सकते हैं वहां पे प्रॉपर हॉरिजॉन्टल प्योर ग्राइंडिंग नहीं होती है सर। आप ठीक कह रहे हो ये, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि इन चीजों को जब तक हम प्रॉपरली बताते नहीं है, जैसे हमने 45 इसमें क्या कहते हैं 45 डिग्री के लिए आप ये देखोगे कि वो वेल्ड कॉलर से आ रहा है या सेंटर से आ रहा है या दूसरे कॉलर से आ रहा है, आप लेफ्ट एंड राइट साइड से चेक करके देखते हो, उसी तरह फिर आपको 37 डिग्री से भी लेफ्ट एंड साइड से चेक करके देखना पड़ेगा, अगर लोकेशन रेल के बीच में आ रही है फ्लॉ के बीच में आ रही है तो वो डिफेक्ट है नहीं तो वो कॉलर है, तो ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये है कि अगर इस टाइप की चीजें आ रही हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है, ऊपर तक बात आनी चाहिए ताकि वो आरडीएसओ उसको सोच के समझ के कुछ सुधार कर सके। बिल्कुल सर। सर अब मैं क्लोज करता हूं। ओके और फिर अभी थैंक यू सर, तो फिर एक और वेबिनार कर लेंगे आप लोग अभी करें थोड़ा सा, आई थिंक आई शैल क्लोज इट नाउ। थैंक यू सर। ओके ओके राइट, आप लोग अगर कुछ और क्वेश्चन देना चाहे तो देख सकते हो। ओके ठीक है सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, थैंक यू वेरी नमस्कार नमस्कार, हाँ नमस्कार थैंक यू नमस्कार सर।
नमस्कार सर। ओके बाय। नमस्कार सर।